Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today we are going to start the modern poetry. Before that, I have made videos on romantic poetry as well. You guys can go and visit my channel to watch these videos. The topic today is Church Going, a poem by Philip Larkin. Philip Larkin is a modern poet, and we will be discussing the meaning of the title. द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम एंड द समरी ऑफ दिस वेरी पोएम सो लेट्स गेट स्टार्ट इट फिलिप लार्किंग एक मॉडर्न पोइट है उन्होंने ये पोइम बेसिकली जो चर्च गोइंग लिखी है ये इनके सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइम्स में जिसका नाम था द लेस्ट डिसीव्ड उसमें पब्लिश हुई थी और ये पोइम जो है ये 1954 में लिखी गई थी ये वो टाइम था जब लोग चर्चिज़ में बहुत कम जाते थे लेस देन द टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वाज विजिटिंग चर्चिज इट दैट वेरी टाइम और ये जो पोइम है ये इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन के बारे में जो है वो बात करती है कि ह्यूमन कल्चर के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ द रिलीजन इन द ह्यूमन कल्चर और ये जो नरेटर है इसका ये बेसिकली एक नॉन बिलीवर के तौर पर अपीयर होता है और उसके नॉन बिलीविंग नेचर के बावजूद वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ चर्च है इन ह्यूमन लाइफ उसको एक्सेप्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है इसके इम्पॉटेंट थीम्स में इम्पोर्टेंस ऑफ रिलिजन लीस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन रिलिजन और इम्पोर्टेंस ऑफ चर्चेज जो हैं वो शामिल हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन पर लार्किन ने जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है कि चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है पीपल हैव टू विजिट द चर्च और जो लोग इतना लीस्ट uh, इंटरेस्ट रख रहे थे चर्चेस uh, के अंदर उसके बारे में बताया है और ओनली लेस देन टेन परसेंट ऑफ पीपल वर विज़िटिंग द चर्चिज एट दट वेरी टाइम तो वो कहता है कि चर्चिज़ में लोग क्योंकि बहुत कम जा रहे हैं तो वो बताता है कि इन फ़्यूचर चर्च की हालत कैसे होने वाली है वो एक ग्रेवयार्ड की तरह आ, बन जाएगा वो बिल्कुल आ, जो है वो एक चरागाह बन जाएगा या वो जो है वहाँ पर जो है कांटेदार फूल उगे हुए होंगे वगैरह वग़ैरह या जो लोग हैं वो ये सोच कर कि यहाँ पर कोई जो सुपर सुपरस्टिशियस पीपल हैं वो यहाँ पर जो है वो कोई ना कोई बूटी लेने आएंगे तो कोई ना कोई हर्ब उनको मिल जाए और दम हुआ हुआ हर्ब उनको मिल जाए और वो वहाँ से जो है टू क्योर देयर चिल्ड्रेन यू you नो know? तो और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ चर्चेज़ के बारे में बात की गई है यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस उसने एंड पे जो है वो न, न, एटीट्यूड इख्तियार किया है कि चर्चेज जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस नहीं खोएंगे लोग जा, ये बात जानते होंगे कि चर्च जो है वो एक सिंपल जगह थी और वहाँ जाकर जो है इंसान वॉइस बनता था इसकी डिटेल्स हम भी हम आगे डिस्कस करने वाले चर्च गोइंग इज द टाइटल ऑफ द पोइम तो टाइटल के बेसिकली दो मतलब हैं एक मतलब है गोइंग टू द चर्च यानी चर्च जाना और दूसरा इसका हिडन मीनिंग जो है वो है चर्चिज़ आर गोइंग यानि चर्च जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और चर्चेज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो रही है नाव वी विल डिस्कस दूफ़ दिस वेरी पॉइंट स्पीकर जो है वो स्टार्ट करता है इस बात से कि उसको आदत है चर्चिज को विज़िट करने की और वो सिर्फ चर्चिज़ को उस वक्त विज़िट करता है जब चर्चिज़ में कोई भी एक्टिविटी जो है दैट इज़ नॉट गोइंग ऑन जब कोई सरमनी जो है वो नहीं हो रही होती जब कोई एक्टिविटी चर्चिज़ में नहीं हो रही होती जब कोई वर्शिप नहीं हो रही होती वो सिर्फ़ उस वक्त विज़िट करता है चर्चि को जबकि कोई भी चर्चिज़ के अंदर नहीं होता चर्चिज़ बिल्कुल ख़ाली होते हैं और वो चर्च के अंदर जाता है और वो जब चर्च के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है कि पहले वो अंदर एंटर होता है तो जो दरवाज़ा है वो शर्ट नब की वॉइस से जो है वो बंद होता है वो अपने साइकिल क्लिप्स जो है उनको रिमूव कर देता है वो अपनी हेड जो है उसको रिमूव कर देता है और वो जो है जब अंदर जाता है तो वो ज़मीन पर देखता है फ़र्श पर देखता है सीट्स को देखता है और नंबर ऑफ़ बाइबल्स जो वहाँ पर प्लेसड हैं उनको देखता है और वो आगे बढ़ता है और कुछ वर्सेस बढ़ता है बाइबल से फिर वो एंट्रेंस भी जाता है और वहाँ पर वो विज़िटर्स बुक को साइन करता है जो भी विज़िटर आता है उसको वहाँ चर्च के अंदर विज़िटर बुक को साइन करना होता है तो वो वहाँ जाकर विज़िटर बुक को साइन करता है उसके बाद वो सिक्स पैनिस कॉइन जो है उसको डिनोट करता है और डोनेशन देने के बाद वो वापस आता है और हर वक्त वहाँ पर वो क्या देखता है के वहाँ पर जो है ब्राउनिश फ्लावर्स जो के मुरझाए हुए फूल हैं वो पड़े हुए हैं और वो इस चीज़ का पता देते हैं कि वो किसी संडे को वहाँ पर जब लोग वर्शिप के लिए आए थे तो वहाँ प्लेस किए गए थे और फिर अब वो चर्च की जो है कोई सफाई नहीं हुई चर्च में क्योंकि कोई आता नहीं है तो इसलिए चर्च जो है वो मेंटेन नहीं है उसकी मेंटेनेंस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही तो जाहिर है कि जब उसकी उसको उसकी सफ़ाई नहीं हुई तो वहाँ पर जो है पता नहीं कितने पुराने किसी संडे को कोई आया था और वहाँ पर उसने फूल रखे थे और वह फूल जो है मुरझाए हुए फूल वहाँ पर मौजूद हैं अब वो वो कहता है कि जब भी वो चर्च जाता है तो वो सोचता है कि उसने अपना टाइम ज़ाया ही किया है उसका वक्त ज़ाया हुआ है क्योंकि वो कहता है कि वहाँ पर कुछ देखने लाइक है नहीं चर्चेज़ में लेकिन वो फिर भी अपनी ये आदत ख़त्म नहीं कर पाता कि वो चर्च जाने की आदत छोड़ नहीं पाता हर बार वो चर्च फिर भी हर बार हालांकि वो हर बार सोचता है कि उसका वक्त ज़ाया हुआ लेकिन वो फिर भी हर मरतबा चर्च चला भी जाता है और जब वो चर्च जाता है तो वो जो है वो इस तरह की चीज़ें देखता है कि चर्च जो है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही वो जो स्पीकर है वो अक्सर सोचता है कि क्या होगा जब चर्च बिल्डिंग्स का जब पीपल विल फाइनली यू नो डिसाइड टू नॉट टू गो द चर्च जब कोई भी चर्च नहीं जाएगा जब कोई भी चर्च को विजिट नहीं करेगा तो वो कहता है कि कुछ चर्चेज़ जो हैं वो मे बी म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो जाए उनको म्यूज़ियम्स बना दिया जाए और जो इक्विपमेंट्स चर्चेज़ में यूज़ होती हैं वो शायद किसी लॉक्ड ग्लास केस में रखी हुई हों और कुछ और चर्च बिल्डिंग्स जो हैं वो कहता है कि वो आ, जो हैं वो मौसम की नज़र हो जाएंगी और क्या होगा कि जो बारिश है वो उनके ऊपर पड़ेगी और वो बारिश के की नज़र की नजर हो जाएंगे वो चर्चेस या फिर जो है कोई आ, भेड़ों का जो रे, रेवड़ है वो वहाँ पर आएगा और वो वहाँ पर आकर जो है वो जो घास उगी हुई है उसको जो है वो चरने के लिए वहाँ भेड़ों का रेवर आएगा और ये भी पॉसिबल है कि जो लोग हैं वो चर्चिस को अवॉइड करना शुरू कर दें और उनको एक अनलकी प्लेस समझते हुए वहाँ पर जाना छोड़ दें फिर वो ये सोचता है कि एक और पॉसिबिलिटी भी है कुछ सुपरस्टिशियस वुमेन जो हैं कुछ तोहम परस्त औरतें जो हैं वो शायद चर्चिस को विज़िट करती रहें ताकि वो इस मकसद से कि उनके जो बीमार बच्चे हैं उनको जो है उनके इलाज के लिए और वहाँ पर वो शायद कोई जड़ी बूटियाँ ढूँढें जो वो अपने बच्चों को खिलाएंगी या पिलाएँगी तो उससे उनके बच्चों की बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी या वो किसी पत्थर को या कोई किसी और होली स्पॉट को टच करेंगी ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सेहत हो जाएं या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और जो लोग हैं वो चर्च यार्ड को यानी जिस तरह ग्रेव यार्ड होता है उसी तरह से एक चर्च यार्ड भी होता है तो चर्च का के अंदर जो कब्रिस्तान वग़ैरह बने हुए हैं हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं चर्च के अंदर बने हुए कब्रिस्तान को विज़िट करें ताकि वो अपनी जो फोत हुए हुए उनके रिश्तेदार हैं उनकी रूहों को जो है वो देख सकें जो वहाँ पर जो है दफन है और होवेंचुली जो है वो जिस तरह फ़ेथ ख़त्म हो गया फ़ेथ शैटर हो गया उसी तरह हो सकता है कि ये सुपरस्टिशंस भी जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी और ये दे विल कम्प्लीटली कम टू एन एंड और वो कहता है कि जो चर्च बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर बिल्कुल ही लोगों का आना जाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर जो है बड़े बड़, बड़ा बड़ा जो है वो घास उगा हुआ होगा और थ्रोनी प्लांट्स यानी जो कांटेदार पौधे हैं वो उगे हुए होंगे और वो जो वहाँ पर लोग हैं वो ये भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि कुछ जो चर्चेज़ थे उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी या वो पुराने ज़माने में मतलब वो इतने ख़राब हो जाएंगे कि लोगों को यह भी पता नहीं चलेगा कि वो पुराने चर्चे थे पता ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर कभी जो है वो चर्च हुआ भी करता था अब यहाँ पर स्पीकर जो है वो एक गेस करता है एक चीज़ और वो क्या गैस करता है कि कौन होगा आखिरी शख्स जो चर्च को विज़िट करेगा वो कोई ऐसा शख्स होगा जो चर्च को जो है वो क्रिसमस पर या बपटाइजिंग सरमनीस के लिए जो है वो विज़िट किया करता था और वो शायद अपनी आदत से मजबूर होकर दोबारा जो है चर्च को विजिट करे या वो चर्च का वो जो एटमॉस्फेयर है उसको मिस कर रहा है तो वो दोबारा उस एटमॉस्फेयर को रिकॉल करने के लिए शायद चर्च को जो है वो विज़िट करे या वो कहता है कि हो सकता है कि जो लास्ट विज़िटर है वो शायद स्पीकर के ही जैसा कोई शख्स हो अब यहाँ पर जो स्पीकर है उसने चर्च को थोड़ा सा सीरियस लिया है और एक सीरियस प्लेस की तरह उसको डील करता है और वो कहता है कि वो जो चर्चे हैं वो कभी भी कम्प्लीटली जो है उन आ, उनको जो है वो इग्नोर नहीं किया जाएगा और कम्प्लीटली जो है दे विल नॉट गो आउट ऑफ यूज़ और वो कहता है कि जब हालांकि लोगों का जो के रिलीजियस बिलीव्स बेशक कमज़ोर पड़ चुके हों उनका जो फेथ है वो शैटर हो चुका हो लेकिन जो लोग हैं वो ये सोच करके चर्चिज़ कभी बहुत सिंपल प्लेसेस हुआ करते थे और बहुत अच्छे प्लेसेस हुआ करते थे और वहाँ पर लोग जो हैं वो जब जाते हैं तो उनको सुकून मिलता है और वहाँ पर लोग जब जाते हैं तो दे बिकम वाइज तो ये सब सोच लोग जो है शायद चर्चिज़ को जो है वो विजिट करते रहेंगे तो दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी थीम्स एंड टाइटल ऑफ द चर्च गोइंग आई विल बी रिकॉर्डिंग एन अधर पोएम ऑफ फिलिप लार्किंग इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब द चैनल